हेलो बच्चों, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 1। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले संसाधन रिसोर्सेस के बारे में जानते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, चट्टाने, धातुएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि। अगर हमें पीने के लिए पानी चाहिए तो वो भी एक संसाधन है, जिसमें हम उसको पी रहे हैं वो पात्र भी एक संसाधन है। अर्थात हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी वस्तु हम उपयोग में लाते हैं वे सभी संसाधन हैं। हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे मिट्टी, जल, खनिज, वायु, वनस्पति आदि। इन सभी का उपयोग हम अपने जीवन में किसी न किसी रूप में करते हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा आदि। दूसरा होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अच्छा है प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु। आप सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश हम कितना भी उपयोग कर लें वो समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये सभी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। हम इनका जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे ये प्राकृतिक संसाधन उतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल क्या है? जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं है, ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। मरे हुए जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष लंबे समय में इस तरह के ईंधन में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसका उपयोग हमें बहुत संयम से करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोलियम के उत्पाद, कोयला और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण हैं। कोयला यानी कोल। कोयला पत्थर जैसे कठोर एवं काले रंग का होता है। कोयले के कई उपयोग हैं, जैसे ईंधन के रूप में खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। इसके अलावा तापीय शक्ति संयंत्रों में इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। तीसरा है विभिन्न उद्योगों में। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। चौथा है भाप इंजनों को चलाने में। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में भी होता था। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, इसको जानने के लिए हम कोयले की कहानी को जानते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जब जाने के कारण
वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमों द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। कोक, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोल तार, यह एक काला गाढ़ा द्रव है जिसका गंध अप्रिय होती है। कोल तार का उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में होता है, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि। बिटुमेन, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। कोयला गैस, कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला गैस विभिन्न प्रकार के उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, एवं ओलियम यानि तेल से हुई है। गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल एवं डीजल का उपयोग किया जाता है। ऐसे ईंधन का स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसे जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम से उपयोगी पदार्थ को अलग किए जाना पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं, तथा कारखाना संयंत्र जहां पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है, रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोलियम परिष्करण संयंत्र या पेट्रोलियम परिष्करणी कहा जाता है। पेट्रोलियम एक उपयोगी पदार्थ के रूप में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन पदार्थों को पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में किया जाता है। बच्चों, अगर पूछा जाए काला सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अपने व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। पेट्रोलियम के संघटक उपयोग, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, जो हमारे घर में गैस सिलेंडर का उपयोग होता है वो LPG गैस ही है। दूसरा है इसका पेट्रोल, जिसका उपयोग करते हैं मोटर, ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में अर्थात ड्राई क्लीनिंग के लिए, स्नेहक तेल स्नेहक के रूप में, पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में, बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में। व्यावसायिक महत्व के कारण ही हम इसको काला सोना भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है।
क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। अब आप जान ही गए हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसका संबंध विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उसके गुर हैं, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है टायरों का दाब सही रखिए और नेक्स्ट है गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और समझना है। साथ ही साथ अगर आपके यहाँ पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है तो उसके बचाव के तरीके भी ढूँढना है। थैंक यू।